मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। जैसी हमारी उम्र बढ़ जाती है वैसे उसके परिणाम हमारे शरीर पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और कोई भी ऐसे चाहता है हम हमारी उम्र से कम दिखे, तो इसीलिए हम हमारे बाल डाई करवाते हैं। आपने सुना होगा बॉलीवुड के कई एक्ट्रेसेस जवा दिखाई देने के लिए खुद के चेहरे पे सर्जरीज करवाती हैं, फेसलिफ्ट करवाती है, बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं। वैसे ही होता है योनिमार्ग के बारे में, लेकिन योनिमार्ग में जो चेंजेस होते हैं ये उम्र से नहीं होते, उम्र के साथ साथ वो वजाइनल डिलीवरी यानी कि चाइल्ड बर्थ से भी होते हैं। जब अपनी प्रसूति नॉर्मल हो जाती है, योनिमार्ग से होती है, तो योनिमार्ग बड़ा हो जाता है, उस पर छेद किया जाता है, वो रिलैक्स होता है। उसके साथ ही कभी कभी जब हम जोर से हंसते हैं, खांसते हैं, तब यूरिन छूट जाती है। कभी हमारा योनिमार्ग बहुत ही ड्राई हो जाता है और हमारी योनिमार्ग की रचना और कार्यों में बदलाव आ जाता है। जब हमारी योनिमार्ग की रचना बदल जाती है और उसका कार्य भी कभी कभी डिस्टर्ब रहता है, तो हम ये योनिमार्ग पे सर्जरी करवाते हैं, जिनको कहते हैं वजाइनल रिजुविनेटिव सर्जरीज, और उसको ये भी कहा जाता है जेनाइटल रिजुविनेशन। और ये कैटेगरी इंक्लूड होती है जेनाइटल रिजुविनेशन में। जेनाइटल रिजुविनेशन में बहुत सारी सर्जरीज होती है, इनके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए डॉक्टर शीतल हमारे पास है। डॉक्टर शीतल प्लास्टिक सर्जन है और उनकी ज़्यादा रुचि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में है, तो आइए हम जानेंगे जेनाइटल रिजुविनेशन के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे, मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। मेरी ट्रेनिंग इंडिया और लंदन में पूरी हुई है। मैं आज आपको जेनाइटल रिजुविनेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। जेनाइटल रिजुविनेशन क्या होता है? जैसे एज होता है तो लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती है, वज़न बढ़ जाता है, स्तन थोड़े लूज हो जाते हैं, वैसे ही योनि के यहाँ पे और प्राइवेट पार्ट्स में दोनों मेल और फीमेल में एजिंग के चेंजेस दिखते हैं। इनको ठीक करना ही उसे हम कहते हैं जेनाइटल रिजुविनेशन। अभी हम जानेंगे कि योनि के यहाँ पे उम्र के हिसाब से क्या क्या अलग चेंजेस होते हैं। जैसे ही वजाइनल ड्राइनेस बढ़ता है, इसके कारण पेशेंट को काफ़ी असुविधाएँ हो सकती है। दूसरा है लेबियल हाइपरट्रॉफी, मतलब वजाइना के पास की जो स्किन होती है वो जैसी ही ज़्यादा बढ़ती है उसके कारण पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब आप चाहकर भी यूरिन रोक नहीं सकते हो, खांसी या छींक होने के बाद अनकंट्रोल्ड यूरिन पास होता है। पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है, ड्राइनेस टुवर्ड्स द टिप ऑफ द पेनिस होता है, एंड इवन सैगिंग अराउंड द पेनिस विच मे कॉज प्रॉब्लम इन द इंटीमेट लाइफ। अभी हम जानेंगे कि जेनाइटल रिजुविनेशन किसको और क्यों चाहिए। जैसे लेडीज़ आजकल काफ़ी वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती है, इन जब उनका वेट बढ़ता है या लूजनेस ऑफ द स्किन होता है, तो जो ट्राइंगुलर पार्ट है जो वजाइना के ऊपर है वो लूज हो जाता है और वो दिखने में काफ़ी गंदा दिखता है जब आप कोई वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं। दूसरी बात, जब लेबियल हाइपरट्रॉफी होती है तो वो अंडरगारमेंट्स पहनने में भी दिक्कत हो जाती है। तीसरा, जैसे वजाइनल ड्राइनेस हो गया तो वहाँ पे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस जो होता है वो ज़्यादा जमा हो जाता है और उसके वजह से आपको थोड़ा हाइजीनिकल प्रॉब्लम होता है। यूरिनरी इनकंटिनेंस के वजह से भी आप पब्लिक में एकदम कंफर्टेबली नहीं जा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेल और फीमेल में इन सब कारणों की वजह से उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब आप सोच के और हम आपको एग्जामिन करने के बाद ही बता सकते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट कौन से चीज़ के लिए चाहिए। अभी हम ये जानेंगे कि ये ट्रीटमेंट कौन ले सकता है, कब ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। ये ट्रीटमेंट हर वो लेडीज़ और जेंट्स ले सकता है जिनको प्रॉब्लम है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, या फिर जिनको इल फिटिंग गारमेंट्स हो रहे हैं, फाउल डिस्चार्ज है, या उनको खुद का ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका प्राइवेट पार्ट अच्छा है, दे हैव और उनको प्रॉब्लम अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में हो रहा है। ये हम कैसे ले सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है,
आपके प्रॉब्लम्स आके हमको ओपीडी में दिखाना है, हमसे एक बार बस कंसल्ट करना है। कंसल्टेशन सिर्फ हाफ एन आवर लेता है, उसके बाद हम आपको इवेल्युएट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए करेक्ट ट्रीटमेंट कौन सा है। इसमें दोनों टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, ओपीडी बेस वाले ट्रीटमेंट है, सर्जिकल है और नॉन सर्जिकल है। कोई कोई ट्रीटमेंट्स में आपको एक दिन के लिए एडमिट भी करा जा सकता है। बोथ मेल्स एंड फीमेल ट्रीटमेंट हम सर्जिकली और नॉन सर्जिकली करते हैं, उसमें हम कभी कभी लेजर्स का इस्तेमाल भी करते हैं और कभी सिर्फ इंजेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। जेनेटल रिजुविनेशन के लिए औरत अकेले या अपने पति के साथ आ सकती है, मर्द अकेले और अपने वाइफ के साथ आ सकते हैं। इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी कॉन्फिडेंशियली रखी जाएगी और ये कहीं पर भी नहीं पता चलेगा कि आपने हमसे ट्रीटमेंट ली है। वी विल टेक कंप्लीट केयर टू कीप योर प्राइवेसी टू द अपर लिमिट। जेनाइटल एजिंग हर किसी को होता है, पुरुष स्त्री, इसके बारे में चुप नहीं रहना है। आपको कोई भी दुविधा हो तो आपको आके हमसे मिलना है। बस एक 20-25 मिनट में हम आपका निदान करेंगे और उसका जो करेक्ट ट्रीटमेंट है वो आपको बताएंगे। ट्रीटमेंट लेना है ये आप पर डिपेंड होता है, बट वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। प्लीज ओपन अप एंड स्पीक अप। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया ऐसी सर्जरीज के बारे में जो आमतौर पर हम डिस्कस नहीं करते। इनके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे गायनिक, इन्फर्टिलिटी, IVF, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।